दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जो है तो इस्लामिक देश पर वहां के लोगों पर इस्लाम धर्म मानने की पाबंदी नहीं है। इस देश में 1963 से लेकर आज तक आपातकाल लगा हुआ है। एक ऐसा देश जहां के संविधान के हिसाब से वहां का राष्ट्रपति केवल मुसलमान ही बन सकता है। जी हां, एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे पुराना शहर बसा हुआ है। इस देश में दुनिया की एकमात्र मानव निर्मित झील असद मौजूद है। हम बात कर रहे हैं 2011 से गृह युद्ध की मार झेल रहे दुनिया के सबसे अशांत देश सीरिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस देश के सफर पे और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों वैसे तो इस देश को हम सीरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इस देश का ऑफिशियल नाम सीरियाई अरब गणराज्य है, जहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद अल असद। सीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, जो यहाँ के 80% लोग अपनी दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ बाकी के लोग कुर्द, फ्रेंच और अंग्रेजी भी बोलते हैं। सीरिया के इस फैक्ट को जानने के बाद आप सही में चौंक जाएंगे। दोस्तों सीरिया में आपातकाल कानून के अंतर्गत 1963 से आपातकाल लागू है। इसके पीछे की वजह वहां की सरकार आतंकवादी गतिविधियां बताती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरिया में दुनिया की एकमात्र मानव निर्मित झील मौजूद है, जो पूरी तरह से मानव निर्मित है। इस झील को असद नाम से जाना जाता है, जिसकी अधिकतर क्षमता 11.7 क्यूबिक किलोमीटर और इसकी सतह 610 वर्ग किलोमीटर है। इस झील को 1968 में बनाया गया था। सीरिया की सीमा पश्चिम में लेबनान और भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण में इराक और दक्षिण पश्चिम में इजराइल की सीमा से मिलती है। सीरिया की कुल आबादी 2 करोड़ के करीब है, जिसमें 90% आबादी मुस्लिम है। इनमें 74% लोग सुन्नी हैं और 13% लोग शिया हैं, और बाकी बचे 10% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सीरिया के कुछ लोग यहूदी भी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में नेचुरल रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है कि वहां की आधी आबादी से ज्यादा लोग काफी मुश्किलों में अपना जीवन जी रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए हैं। सीरिया में सबसे ऊंचा पर्वत हेमोर्न है, जो वहां का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से करीब 2800 मीटर है। दुनिया का सबसे पुराना और रिहायशी शहर दमास्कस सीरिया में ही है। इसे सबसे पुराना शहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर की खुदाई में मिले अवशेष इस शहर के पुराने होने की बात सिद्ध करते हैं। इसी आधार पर इस शहर में मानवीय सभ्यता की तारीख 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है। आमतौर पर सीरिया के नागरिकों को किसी एक धर्म को मानने की सख्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ का संविधान यहाँ के लोगों को किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। हालांकि सीरिया में इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। यहाँ के संविधान के हिसाब से यहाँ का राष्ट्रपति कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। जी दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रपति एक मुस्लिम ही होना चाहिए। सीरिया को यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली कड़ी भी माना जाता है। आपको बता दें, सीरिया एक ऐसा प्राचीन मध्य पूर्व देश है जो पश्चिमी देशों के बीच एंट्री बैरियर की तरह खड़ा है। सीरिया तुर्क साम्राज्य के बाद 1920 में फ्रांस के अधीन हो गया था, लेकिन कुछ सालों बाद सीरिया के लोगों में आजादी की जंग छिड़ गई और सन 1946 में सीरिया पूरी तरह से आजाद हो गया। वैसे इस देश के प्राचीन समय में रोमन, ग्रीक, अरब और तुर्क शासक रहे हैं, यानी इस देश का इतिहास गुलामी भरा रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार सीरिया देश का नाम सीरियाई शब्द असुर से निकला है, जिसका मतलब होता है राजकुमार। है ना कमाल की बात। सीरिया के लिए सबसे खराब बात यह है कि सीरिया वहां के राजघराने की वजह से 2011 में गृह युद्ध जैसे अभिशाप में फंस गया था। इस युद्ध की शुरुआत वहां के राजघराने के असद को उखाड़ने के लिए की गई थी, जिसके परिवार ने पिछले 4 दशक से सीरिया पर शासन किया है। सीरिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अमेरिकी लोगों का सीरिया से पुराना कनेक्शन है। अमेरिका के कुछ नामी गिरामी लोगों की जड़ें सीरिया से जुड़ी हैं, जिसमें स्टीव जॉब्स और मरे अब्राहम शामिल हैं। इस देश में पत्रकारों का बुरा हाल है और आज के समय में यह देश पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश बन गया है। इसके पीछे की वजह 2011 से चल रहा गृह युद्ध है, जिस वजह से सीरिया में 2014 से लेकर अब तक 14 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। सीरिया में गृह युद्ध बहुत जटिल होता जा रहा है। इस देश के राष्ट्रपति असद को विदेशी सेना का बड़ा समर्थन मिल रहा है, जिसमें रूस और ईरान शामिल है। इसके साथ ही इस देश को आइसिस का समर्थन भी मिलता है, इसलिए सीरिया को आइसिस का इलाका भी कहा जाता है। सीरिया देश का संपूर्ण आकार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों सीरिया में गृह युद्ध की वजह से 10 लाख से ज्यादा सीरियाई लोगों को अपना खुद का घर, खुद की जमीन छोड़नी पड़ गई, जिससे पहले ये लोग सीरिया में ही विस्थापित हो गए और बाद में इन लोगों को पूरी तरह से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरिया से बाहर गए 75% से ज्यादा लोगों में लेडीज और बच्चे शामिल थे। जब ये लोग सीरिया से बाहर निकले, तब इनमें 10% लोगों ने यूरोप से उनकी सेफ्टी की मांग की। अब ऐसे में यूरोप के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि कौन सा देश इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे सीरिया में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया था। सीरिया की राजधानी दमास्कस है, जिसे पहले डम से कहा जाता था। इसका मतलब होता है पानी से भरी जगह।
इस जगह को जैस्मिन सिटी भी कहा जाता है। सीरिया को 2011 में अरब लीग से पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरिया में कुछ सड़कें आज भी ऐसी हैं जो 4000 वर्ष से भी पुरानी हैं, और आज के समय भी इन सड़कों की कंडीशन काफी अच्छी है, जिन्हें आज भी लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो सीरिया के आज के समय का सीरियाई गृह युद्ध सबसे खतरनाक और दर्दनाक मानवीय संकट बन चुका है। दोस्तों, आप सीरिया की गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के 60% से ज्यादा लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग रोजमर्रा की अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ बीमारियों के कारण लोग समय से पहले ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। सीरिया में साल 2011 से शुरू हुए गृह युद्ध की वजह से यह देश आज 20 साल पीछे चला गया है। इसी वजह से 21वीं सदी में सीरियाई शरणार्थी दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बनके खड़ा हो गया है। सीरिया के ज्यादातर शरणार्थी 18 वर्ष से कम के हैं। अगर बात सीरियाई शरणार्थियों की करें तो तुर्की देश में 25 लाख से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी बसे हुए हैं, जो किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। वहीं लेबनान देश में 15 लाख से ज्यादा सीरियाई बसे हुए हैं, और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस देश में हर 5 में से एक इंसान सीरियाई शरणार्थी है। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध शुरू हो गया था, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आपको जानकर हैरानी भी होगी और सीरिया के लोगों के लिए दुख भी होगा कि सीरिया में हर हफ्ते 130 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। साल 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सीरियाई शरणार्थियों की संख्या दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो गई है। ये बात सीरिया के लिए अभिशाप है, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे सीरिया अपना अस्तित्व खोता जा रहा है, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए सीरिया नर्क के समान बनता जा रहा है। सीरिया के शरणार्थियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कई विकसित देश जैसे रूस, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने सीरियाई शरणार्थियों को अपनाने की बात दुनिया के सामने रखी है। तो दोस्तों, सीरिया के बारे में हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और दुनिया के बाकी देशों के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।